Hello everyone, my name is Sundar Shyam. I'm basically from Sakha district, Panwakal city, Sakha district, Pakistan. And currently I'm doing residency as a PGY1 resident in the Department of Pathology at Northwell Hospital, New York. So टुडे जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है वो अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी मतलब यूएसएमडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देना, उनको करेज देना और मोटिवेशन देना. आई नो जो ये बात है यूएसएमडी जर्नी का वो इजी नहीं है. मोस्ट ऑफ द जो हम लोग होते हैं, जैसे इंक्लूडिंग मे, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने एग्ज़ाम्स की, वी नीड समवन हु कैन यू नो मोटिवेट अस, जो आपका साथ दे, जो आपको आपकी हिम्मत बढ़ाए, आपको करेज दे करने की. तो पहले तो मैं आपका अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जैसे कि मैं एक पनवाकल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ना, मैं कोई अपने मेडिकल लाइफ में कोई इतना होशियार यू नो स्टूडेंट रह चुका हूँ, लाइक यू कैन से एज अ बिलो एवरेज. तो शॉर्टली मैं आपको बताऊँ कि मेरी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. तो ये जो मेरी जर्नी है, मतलब जैसे हम जैसे पाकिस्तान में जैसे मेरे जैसे बंदे खुद को पता नहीं होता क्या करना है, सही है ना. तो जैसे मैं डॉक्टर भी बना, वो फैमिली की एक यू नो ख्वाहिश थी, या डॉक्टर बनो या हमारा बिजनेस ज्वाइन करो. तो काइंड ऑफ कोई चॉइस नहीं होती, ना ही इतना एक्सपोजर भी होता है कि आप कुछ डिसाइड कर पाओ. तो लेट्स कम टू माय यू नो द जर्नी टूअर्ड्स यूएसएमडी. तो मेरे दोस्त थे कुछ, तो आफ्टर MBBS यू नो दे इंकरेज मी लाइक फॉर द यूएसएमडी. ट्रस्ट मी, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या यूएसएमडी होती है. मैं उनके कहने पे स्टार्ट कर दी. तो बहरहाल अल्लाह पाक के बड़े एहसान हैं और दोस्तों की, जो मेरे साथ जर्नी में मुझे इंकरेज करते रहे. हालांकि मुझे वो, मैं नहीं समझता था कि वो मुझ में कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं यूएसएमडी एग्ज़ाम्स को पास करूँगा और एक दिन या यूनाइटेड स्टेट्स में एज अ रेजिडेंसी करूँगा. तो जैसे हम स्टडी करते हैं, काफ़ी मुश्किलात आती हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, किसी चीज़ को नहीं देनी चाहिए. और अगर आपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए, स्टेप वन हो गया, स्टेप टू हो गया, अभी तो CS नहीं रहा, जो OAT अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो अभी उसके बाद क्या करना है? क्या हमें कोई क्लिनिकल ऑब्जर्वरशिप लेनी है? क्या कोई रोटेशन करनी है? रिसर्च करनी चाहिए? क्या हमें अप्लाई करने से पहले Step 3 होना चाहिए? वो लाजमी है. और हमें अपने जो स्किल्स हैं, इंटरव्यू स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उस पर कितना फोकस करना चाहिए? तो मेरा ये जो आज वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉपर गाइडेंस के लिए, तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूं. और तो प्लीज़ फील फ्रीली, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, यू नो द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी टूअर्स यूएसएमडी एग्ज़ाम्स, तो टिल इंटरव्यूज, तो जो भी हैं, मतलब आपके ना फील फ्रीली होके मुझे इस बिलो कमेंट में मुझे लिख के यू नो भेजिए, तो मैं तो उनको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा. और साथ ही साथ मेरे जो काफ़ी कलीग्स हैं, जो अभी यहाँ पे माशाल्लाह वो भी रेजिडेंसी कर रहे हैं, कुछ कंप्लीट करने वाले हैं, तो उनसे भी हम एक यू नो सो वीकली, जैसे हुआ उनके स्केड्यूल के हिसाब से जो भी हुआ, तो वो भी हम सेशन करेंगे. तो जैसे हम, मेरा मकसद ये है कि जितना हो सके आपको उससे एक यू नो आइडिया हो सके, आपके लिए इजी हो सके कि आप जैसे अप्लाई कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उस पर हेल्प हो जाए.
क्योंकि हम मैंने जब हम फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट आते हैं आफ्टर एग्ज़ाम, सो एक डर सा रहता है कि क्या होगा वहाँ पे, किससे क्या करना चाहिए, कैसी चीज़ें करनी चाहिए, जो जो भी आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं टिल लाइक आप यूएसए आ गए हैं, अभी यहाँ से किसी से क्या करना चाहिए, कैसे उनसे वो करना चाहिए, कोई ऑब्जरशिप के लिए या कुछ, कोई भी आपका बेसिक से बेसिक भी क्वेश्चंस क्यों ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको आपको आंसर दे सकें। कोई वो नहीं घबराने का, कोई भी नहीं है, जो भी आपका सिंपल से सिंपल भी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी क्यों ना हो, आप इस चैट बॉक्स में, इस कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो मैं लुक फॉरवर्ड करूँगा कि आपके सवालात से, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैं और मैं हमारे दोस्त मिलके के उस आंसर, उस क्वेश्चन का आपको आंसर दे सकें। तो प्लीज़ इस चैट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। तो वंस अगेन, मेरा नाम सुंदर श्याम, आई एम पिजवावन रेजिडेंट एट नॉर्थवेल हॉस्पिटल एंड न्यूयॉर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So feel freely, bataiyega. Okay, Allah Hafiz. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye-bye.